हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं। ऐसा ही एक मामला मेरे खुद के साथ भी हो चुका है, जिस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो ला चुका हूं। वो उत्तराखंड हाईकोर्ट का मामला था। और दोस्तों, इस तरह का एक लेटेस्ट मामला अभी अभी प्रकाश में आया। अब इसमें क्या है, देखो, पति अपनी तरफ से कई सारे स्टेप लेता है, बिकॉज वो मैट्रिमोनियल विवाद में फंसा हुआ होता है और उसको लग रहा होता है कि मेरे पास आगे क्या रास्ता है। और कई बार केवल वीडियोस को देखकर या केवल आर्टिकल्स को पढ़ के, बुक्स को पढ़ के वो अपना कोई स्टेप ले लेता है। कई बार मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। एक रास्ता सभी के लिए सेम नहीं हो सकता। अगर किसी एक मामले में एक रास्ता सही हो सकता है तो दूसरे मामले में वही रास्ता गलत भी हो सकता है। तो ये जो मामला था, यहां पति ने अपनी तरफ से एक स्टेप लिया और उस स्टेप को लेकर के बुरी तरह से फंस गया। इवन कोर्ट ने उसके ऊपर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगा दिया। तो ध्यान से इसे देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे पता है इसी पथ पर हैं और ऐसा करने वाले हैं, या कर चुके हैं या करने का विचार कर रहे हैं। इसलिए वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी मैट्रिमोनियल विवादों में है। देखिए, मैट्रिमोनियल विवादों के अंतर्गत जो एक मामला होता है मेंटेनेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटेनेंस वाइफ आपकी 125 सीआरपीसी डीवी या 24 एचएमए में मांग सकती है। अब इनमें से कोई सा भी केस जब चलता है तो सबसे पहले पति का ध्यान इस बात पर जाता है कि पत्नी ने क्या चालाकी करी। कैसी चालाकियां होती है, कई बार होता है पत्नी कामकाजी होती है लेकिन वो अपने एफिडेविट में झूठ बोल देती है, कई बार किसी अन्य प्रकार का झूठ बोल देती है, किसी बार अपनी शिक्षा को लेकर झूठ बोल देती है, कई बार अपने इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर झूठ बोल देती है। इनमें से कुछ चीजों को आप पकड़ते हो और जो नॉलेज आपने ली है उसके आधार पर आपको लगता है कि भाई हम इनके ऊपर कुछ करें। ऐसे यहां पर एक मामला था, पत्नी ने पति के ऊपर एक डीवी एक्ट का केस फाइल किया, उसमें 90,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस मांगा और बाकी के रिलीफ भी क्लेम किए। अब पति को डेफिनेटली अपनी तरफ से रिलीफ चाहिए था, लेकिन जब उसका एफिडेविट उसने देखा तो उसको पता चला कि पत्नी ने कुछ झूठ बोले। अब पति ने अपनी तरफ से 340 सीआरपीसी की पिटीशन लगा दी, ये कहते हुए कि पत्नी ने एक झूठा शपथ पत्र देकर के झूठी गवाही अपनी दी है, तो इस पर कार्यवाही की जाए, इस पर आपराधिक कार्यवाही को इनिशिएट किया जाए। जब उसने प्रार्थना पत्र ट्रायल कोर्ट में दिया तो ट्रायल कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये जो प्रार्थना पत्र है, अगर इस पर अभी सुनवाई की गई तो जो डीवी केस की प्रक्रिया है उसमें देरी हो जाएगी, उसमें लेट हो जाएगी। अब वो असंतुष्ट होकर जो पति है वो अपनी तरफ से सेशन कोर्ट में चला गया। सेशन कोर्ट में जाके उसने अपनी बात रखी। सेशन कोर्ट ने यह कहा कि जब तक डीवी केस का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक इस 340 सीआरपीसी की जो आपकी पिटीशन है इस पर सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए, स्टे कर दिया जाए। अब यानी पति को यहां से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। अब जो पति था वो अपनी तरफ से ऑनरेबल हाईकोर्ट में आया और ऑनरेबल हाईकोर्ट में इस बात को बोला कि भाई जो 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन है ये इस बात को बताती है कि उसने झूठा शपथ पत्र देके माननीय न्यायालय में झूठी गवाही दी और इस पर तुरंत सुनवाई की जानी बहुत ही आवश्यक है। और जो दूसरी पक्षकार थी यानी उसकी पत्नी थी, उसने तर्क दिया कि इसने जो 340 सीआरपीसी की पिटीशन फाइल करी है केवल डीवी के बाद में देरी करने के लिए प्रस्तुत करी है। अब ऑनरेबल हाईकोर्ट को यहां पर डिसाइड करना था। अब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यहां पर यह बोला कि 340 सीआरपीसी और 195 के अंतर्गत जो भी ग्राउंड लिखे गए हैं वो तुच्छ होते हैं या प्रतिशोधी नेचर के होते हैं और ये ऐसा लगता है कि वो केवल डीवी केस को रोकने की मंशा से डिजाइन किए गए हैं, तो इस पर अभी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। इस पर कार्यवाही तुरंत केवल तभी होनी चाहिए जब ये न्याय हित में हो, ना कि केवल उसमें जो आरोप लगाए हुए उनके आधार पर होनी चाहिए। अब देखो, इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना करके सेम चीज आपको कई बार समझाई कि 340 सीआरपीसी में आप केवल तभी जाएं जब आपके पास कंक्रीट चीजें हैं। लोग बहुत छोटी छोटी चीजों को पकड़ के 340 सीआरपीसी में चले जाते हैं और परिणाम यही होता है। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपको उत्तराखंड हाईकोर्ट का मामला बताया था वहां पर भी सेम चीज थी। एक बंदा हल्द्वानी में जिसका केस चल रहा था, उसने कहा साहब मेरी 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। जब मैंने एप्लीकेशन को देखा उसमें बल बिल्कुल नहीं था, मैंने कहा जी हाईकोर्ट जाना बेकार है, मत जाइए, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन क्लाइंट ने बहुत फोर्स किया, नहीं सर मुझे जाना ही है, आप कुछ भी करो, आप फाइल करो, बाकी देखा जाएगा जो होगा। फाइल कर दिया और वहां पर क्या हुआ कि पति पर जुर्माना लगा के 340 सीआरपीसी को फिनिश कर दिया गया, यही कहते हुए कि भाई ये कोई कंक्रीट पॉइंट ही नहीं है। तो कहने का मतलब है ये बात जो मैं आपको कई बार कई वीडियोस में समझा चुका हूं कि 340 सीआरपीसी में आप केवल तब जाएं जब आपके पास कोई बहुत कंक्रीट चीज हो। छोटी मोटी चीजों को लेकर के चले जाना, हाँ उसने ये कहा था, इसने ये कहा था, वो कहा था, ये सब 340 को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। यही बात यहां पर जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने बोली कि भैया अगर बहुत ही छोटे लेवल के तुच्छ का मतलब क्या, बहुत छोटे छोटे आरोप आपने उसमें लगाए हैं, या फिर ऐसा दिखता है कि वो जो पिटीशन है वो केवल बदला लेने की भावना से है या जो मूल केस चल रहा है उसको रोकने की मंशा से है, तो फिर इस पर तुरंत कार्यवाही नहीं की जाएगी। और इस मामले में जो अगला चीज कोर्ट ने देखी वो ये देखी कि पति ने 5 साल की देरी के बाद ये 340 सीआरपीसी की पिटीशन लगाई है। वैसे तो 340 सीआरपीसी की पिटीशन लगाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी जो 5 साल का लंबा समय
इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और सब समराइज करते हुए कोर्ट ने कहा कि 340 सीआरपीसी की जो पिटीशन है, देखने में ऐसा लगता है कि नेक नियति से नहीं लगाई गई है, यानी गुड इंटेंशन से नहीं लगाई गई है, बैड इंटेंशन से लगाई गई है, और इसको खारिज कर दिया और पति पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया और बोला 8 हफ्ते के अंतर्गत ये जुर्माना जो है वो पत्नी को अदा करो। तो देखिए, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जजमेंट आता है उसको दिल से नहीं सोचना, दिमाग से सोचना है। यानी हो सकता है आप भी यही गलती करने वाले हो सकता है आप खुद ही अपनी 340 को ड्राफ्ट कर रहे हो और फाइल करने वाले हो। और मैं बार बार कहता हूं कि यहां पर एक्सपीरियंस मैटर करता है। लीगल वीडियोस कोई भी बना सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होगा वो वही व्यक्ति आपको बता पाएगा जो एक्चुअल में ऐसे मामलों में कोर्ट के अंदर खड़ा होगा, वो आपको कह पाएगा ये पिटीशन चलेगी या नहीं चलेगी। मेन बात यह है। तो कहने का मतलब, आपकी जो पिटीशन है वो चलने लायक है तभी आप उसे लेके जाओ, अदरवाइज अपना टाइम खराब करोगे, पैसा खराब करोगे, ह्यूमिलेट होगे और सामने जो दूसरी पार्टी होगी उसको बल दोगे, उसे और मोटिवेशन दोगे, देख कर लिया जो करना था, वो यही सोचेगी। तो कहने का मतलब, आपको खुद सोचना है कि आपको कब किस चीज को इनिशिएट करना है और कब किस चीज को इनिशिएट नहीं करना। बहुत सारे लोग मैंने देखा कमेंट्स में लिखते हैं, सर मेरे ऊपर 498 की FIR हुई है, क्या मुझे क्वेश्चन में जाना चाहिए? व्हाट इज दिस? आपको लगता है इतना सिंपल है? आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन को देख करके विचार करना पड़ेगा क्वेश्चन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और आप जस्ट सोचते हो कि एक जनरलाइज कमेंट आप कर दें और उसमें आपको आंसर मिल जाए और वो आंसर सटीक भी बैठ जाए, नुकसान कर लोगे अपना। यानी पहले विश्लेषण करना पड़ेगा आपके सारे कागज पत्रों का, देखना पड़ेगा उसमें संभावना क्या कहती है, तब उसके बाद आपको कोई स्टेप लेना है या नहीं इसका निर्धारण होता है। आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।